आज हम बना रहे हैं यहाँ पे बेसन के लड्डू। इनको बनाने के लिए हम कढ़ाई में ले लेंगे सबसे पहले बेसन। इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, देसी घी भी ऐड कर सकते हो आप, मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है। इसको डालेंगे, फिर अच्छे से 2 से 3 मिनट तक इसको रोस्ट कर लेंगे। कड़छी को आपने चलाते रहना है, बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ने चाहिए बेसन में। ये देखिए जी, अच्छे से रोस्ट हो चुका है, ये रेडी हो गया है हमारा बेसन। अब हम इसे ठंडा होने के लिए किसी अलग बर्तन में निकाल लेंगे। ये अच्छे से ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी पाउडर। ये देखिए, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये इतने टेस्टी बनते हैं ना बेसन के लड्डू, आप एक बार ट्राई करके देखना। उसके बाद इसमें हम रोस्ट की हुई सूजी डालेंगे 2 चम्मच, फिर इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत इजी है बेसन के लड्डू बनाना, आप इजीली घर पे बना सकते हो, ज़्यादा सामान भी नहीं चाहिए आपको। ये देखिए, ये अच्छे से बन चुके हैं। ये देखिए, ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं बेसन के लड्डू। आप किसी भी फेस्टिवल के लिए घर पे ही सस्ते सामान से इतने टेस्टी मार्केट जैसे लड्डू बना सकते हो। ये देखिए, ये देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं ना बेसन के लड्डू, बहुत टेस्टी बनते हैं। आप एक बार ट्राई करके देखना बना के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।